डेली शाम में चाय के साथ क्या नाश्ता बनाया जाए और वो थोड़ा सा चटपटा भी हो और बहुत ही आसानी से बन जाए। तो सवाल यही डेली का उठता है कि क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने देखा कि फ्रिज में एक उबला हुआ आलू बचा हुआ था। मैंने दिन में कुछ सब्जी बनाई थी तो आलू मैं रख दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये उबला हुआ आलू से ही कुछ बनाती हूँ, कुछ चटपटा सा। तो मैंने आलू को लिया और उसको मैश कर लिया आलू को, और इसमें मैंने डाला कुछ कटे हुए लहसुन और अदरक, और इसके साथ मैंने इसमें डाला कटा हुआ धनिया पत्ता, और इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर, और इसमें कॉर्नफ्लोर डाला मैंने 2 चम्मच के करीब। आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें उबला हुआ मटर डाला है। मटर का सीजन है, ठंड का मौसम है तो अच्छा लगता है। ये अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी बना सकते हैं। और इन सबको डाल करके मैंने अच्छे से मैश कर लिया, और इसको एक डो के फॉर्म में ये आ गया, इस तरह से देखिए। और फिर मैंने इसको क्या किया कि इसको काट लिया इस तरह से, और इसको इस तरह से बस हाथों पे इस तरह से दबाते हुए, और ये इस तरह से रोल कर लिया मैंने। और इन सबको बस मैं इस तरह से चाकू से छोटे छोटे इस तरह से पीसेस में कट कर ली। इस तरह से मैंने इसके काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। और अब क्या करेंगे इसको कि फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल करके चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। ये अच्छे से गर्म हो जाए जब, तब हम इसमें डालेंगे, तो ताकि क्रिस्पी बने। तो मतलब इसे अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए रिफाइंड को। और ये मैंने इस तरह से डाल दिया सारे कटे हुए पीसेस को, और डालने के बाद इसे हल्का सा इस तरह से चला देंगे। ज़्यादा नहीं हिलाना है पहली बार में, ये तो चिपकने लगेगा नीचे से। इस तरह से हल्का सा ये करके इसको उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी और कलर मतलब इसका चेंज होने तक तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। तो ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये चाय के साथ में खाने में। और मैंने टमाटो सॉस के साथ में इसे टमाटो सॉस के साथ मैंने सर्व किया है। तो आप इस रेसिपी का क्या नाम देना चाहेंगे, ज़रूर से कमेंट्स कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो टेक केयर एंड बाय बाय।